जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खरी ऐसे होंगे। तो दोस्तों आपको पता है जिस तरह से हमने कबूतर ऊपर छोड़े हुए हैं उड़ाने के लिए, ये देखें जी आपको नजर आए बुक सुखनी हुई है, बाकी एक उठ गया कबूतर जी, वो जो उस दिन डब वाला जो जिस तरह से मैंने आपको बताया था रात रुक के आया था माशाल्लाह से, फिर आज उठ गया और बहुत आसमान की गहराई में चला गया क्योंकि दाना डाला मैं और वो जो है ना दाना खाने के लिए ऊपर नीचे हो रहे थे कबूतर नीचे आने के कारण। वो देखें वो आ रहा है, वो देखें दोस्तों नज़र आ गया, ये देखें जी ये आ रहा है जी कबूतर। ठीक है बहरहाल आ जाएगा कोई नहीं इंशाल्लाह बैठ जाता। बाकी दोस्तों एक और बात थी वो आपको बतानी थी, क्योंकि मैंने आपको पता जिस तरह से अपनी लाख की मादा जी ऊपर छोड़ी हुई थी और यूँ समझ लें कि यार ये जो है ना मेरी जान है, क्योंकि मैंने इससे आगे बहुत सारे बनाए हैं इस लाख की मादी के लिए। तो इसमें जो है ना वो चाचू ने बोला, अली भाई ने बोला कि यार अगर इज्जत से बढ़ कोई चीज़ नहीं होती इसको ज़रूर उड़ाएं आप। तो माशाल्लाह इसका मुझे मेरे पास जेठ के अंदर 3-4 बजे तक खुद का ही इसका रिजल्ट है, मैंने खुद अपने घर में उड़ा के तो फिर ब्रीड में जो है ना इस्तेमाल की थी। आगे माशाल्लाह इसके बच्चों में भी बहुत प्रवाद है। तो इसको दोस्तों मैंने छोड़ा था ऊपर और थोड़ी सी वीकनेस हो गई है, तो मैंने हालांकि कल तो इसको अपने पाँव से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था, तो मैंने कुछ सिरप थे जो मिक्स करके बनाए हुए हैं वो भी आपके साथ मैंने शेयर किए हुए हैं, वो जाके आप मज़ीद मेरी वीडियो जो है ना वॉच कर सकते हैं, ठीक है उसमें सारा आपको पता चल जाएगा। तो कल से लेके अब तक सुबह तक मतलब वो दिए हैं, कल भी दिए हैं सुबह भी दिए हैं और अब के लिए मैं मेडिसिन लेके आया वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ले दोस्तों पहले नंबर पर हम मादा को छोड़ देते हैं, ये देखें इसकी कंडीशन देख रहे हैं क्या हो गई है जी। मैंने दोस्तों देखा कोई नहीं क्योंकि मैं कामकार में बिजी रहा हूँ दो दिन, आपको पता है जिस तरह से सर्दियां आ गई हैं दिन कम होता है जी इस वजह से। बाकी अब तो माशाल्लाह से फिर भी जो है ना वो चल फिर रही है, ये देखें ना अब तो फिर भी चल फिर रही है, ये देखें गिर रही है। वैसे कल जो है ना इसकी काफ़ी नाजुक हालत हो गई थी, ये देखें जी ये जी मादा है मेरी, वो ब्रीडर मादा है। तो कौन नहीं इंशाल्लाह इसको सेट करेंगे उड़ाएँगे, 10 नंबर ही है वो, देखें पाँव इसके मतलब पाँव में कड़ी है 10 मिनट, ये देखें जी इंशाल्लाह इसको बचाएंगे जी। और बाकी दोस्तों एक और आपको बात बता दूं, मैं ये परवान प्लस लेके आया था आज और मैंने डाला अपने कबूतरों को डाल, मैं खैर पहले भी रहा था बस खत्म हो गए थे, आज लेके आया हूँ और ये देखें ये माशाल्लाह से खा रहे हैं। दाना एक तरफ रख दो और दूसरी तरफ परवान प्लस रख दो, दाने को छोड़ के कबूतर जो है परवान प्लस खाएंगे, ये देखें। और उसके अंदर मैंने एक ये मजीद इजाफा किया, ये एक भक्की है वो मिक्स की है इंशाल्लाह, वो जिस तरह से ये भी बनी है मुझे तो खैर बनी बनाई यही है ना, तो इंशाल्लाह वो भी आपको सारी डिटेल में आपको एक वीडियो जो है वो मिल जाएगी। ये देखें ये माता जी ये देख रहे हैं गिर गई है दोस्तों, तो इसको ऊपर वाले कबूतरों के साथ नहीं दाना पानी करवाया, ये देखें इसको जो है ना नरम गुजार मैं खिला रहा हूँ अभी की, क्योंकि इसको सख्त जो है ना वो दाना नहीं डालना। तो दोस्तों आगे आ जाए इधर, ये जो मैं मेडिसिन लेके आया हूँ ये मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ, ये देखें जी ये आधी जो है ना एक जगह से मिली थी और आधी दूसरी जगह से मिली थी, ये जरा नहीं दोस्तों ये मेडिसिन हो गई जी। ठीक है आगे ये कैप्सूल हो गया, ये डेस्प्रिन हो गई, ठीक है ये दोस्तों सारी जो है ना वो मैं लेके आया हूँ इनके लिए, खैर पहले भी मेरे पास पड़ी हुई थी सारी चीज़ें, बाकी आज जो है ना वो लेके आया। तो दोस्तों इसमें जो है ना वो क्या निकालना था, ये वाली रहने दें और डिस्प्रिन भी रहने दें और ये भी रहने दें गोली, ठीक हो गया जी। बाकी ये सारी मेडिसिन है जी जो मैं मिक्स करके एक मेडिसिन बनाता हूँ, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, पहले भी मैंने सारी चीज़ें शेयर की है। इसमें डेक्सा गोली हैं, डेक्सा मेथासून खुली मिलती हैं, 10 गोलियाँ ये हैं और 10 कैप्सूल ये लेने थे, बाकी ये 250 mg वाले नहीं मिले थे मतलब कम थे, तो 500 वाली मैं 2 जाना मैंने फिर मिक्स कर ली। वैसे 250 mg वाले जो है ना वो कैप्सूल होने चाहिए ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ठीक है ये देखें जी 5 ये हैं जी, 10 सॉरी ये करने हैं आपने और 10 इसमें फ्लैजल गोलियाँ और 10 जो है इनमें नोविडेट हैं 250 mg की, ठीक है फ्लैजल है, रेथ्रोसिन है, ठीक है। और ये दोस्तों पेनाडोल का जो है ना आजकल नहीं आ रहा, आपको पता है पेनाडोल नहीं मिल रही आजकल, ना ही डिस्प्रिन मिल रही है, बार ये है कि मैंने फिर जो है ना वो ये लेके आया हूँ किलपोल, तो इसको जो है ना वो करने लगे हैं इस्तेमाल। बाकी दोस्तों अगर आपका कबूतर हरी पीठे कर रहा हो तो उसके लिए मैंने मज़ीद वीडियो जो है ना वो बनाई हुई हैं, ये फ्लैजल इंजेक्शन है मेरे पास पड़ा हुआ था खैर ख़त्म हो गया था, अब जो है ना मैंने न्यू लेके आया हूँ आज,
फ्लैजल इंजेक्शन की एक सीसी जब आपने सरिंज लेके उसमें सिर्फ दो पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट लगा के, कबूतर की हड्डी होती है जहाँ पे, वहाँ पे सिर्फ आपने जिल्द में लगाना है, गोश्त में नहीं लगाना है। जो ऊपर जिल्द होती है उसमें लगाएंगे तो उसका एक गुब्बारा टाइप जाना वो बन जाएगा, थोड़ा सा फूल जाएगा ऊपर से, उसको छोड़ देना, आपने दबाना नहीं, कुछ करना नहीं है, ठीक है। उससे जो है ना इंशाल्लाह सेट हो जाएगा निज़ाम, ठीक है। दोस्तों ये होगी सारी चीज़ें जी, इन सबको मिक्स करके आपने जो है ना एक वो बना लेनी है दवाई। तो पहले मैं ये नहीं करता था, इस बार दोस्तों ये जो है ना मैं इसमें एक गोली मिक्स करने लगा हूँ। ये पट्ठों के लिए, सारी चीज़ों के लिए जो है ना वो बहुत बेस्ट होती है, इसलिए जो है ना मैं इसमें ये भी एक डाल, क्योंकि सारे मतलब कोई भी मर्ज हो ना कबूतर को, तो सारे सब के लिए जो है ना एक ही दवाई जो है ना वो काम करेगी इंशाल्लाह। ये देखें, वैसे अगर करना हो तो मैं तो करता हूँ, बाकी आपके लिए कर रहा हूँ कि मज़ीद जो है ना वो होना चाहिए। ये देखें इस कबूतरी को दोस्तों, ये देख रहे हैं बीठे कैसी कर रही है। दरअसल सर्दी का जो है ना सीज़न है आपको पता है, और सर्दियों में कबूतर का ये हो जाया करता है मसला, दाना पानी जो है ना वो अच्छा करना चाहिए, ठीक है। पोट जाम हो जाएगी इनकी तो फिर ही काम जो है ख़राब होगा। तो बहरहाल दोस्तों इसको जो है ना मैं अब मज़ीद आगे की तरफ बढ़ता हूँ, मैं इसको मेडिसिन देता हूँ। और ये जो आप देख रहे होंगे ये बाल है जो ड्रिप नहीं लगती इंसानों को, ये वो वाला है, वो इसके आगे चढ़ा के ना तो मतलब इजीली कर लेते हैं, इस सरिंज के आगे चढ़ा के पानी जो है ना वो देने में आसानी हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, इसमें अगर आप करना चाहें तो आटा लेके, ठीक है, थोड़ा सा आटा लेके इतना सा, तो उस आटे में जो है ना वो आप शहद थोड़ा सा डाल लें, ठीक है। शहद डालने से इसमें मतलब इस तरह से ये सूखापन होता है, और अगर शहद डालेंगे तो उससे थोड़ा सा ना नरम हो जाएगा और गोलियां जो है ना इजीली बन जाएंगी आपकी। उसके गोलियां अगर आप बनाना चाहें गोलियां बना सकते हैं, अगर दूसरा काम करना चाहें तो दूसरा कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये देखें शाम हो रही है, ये माशाल्लाह से मेरा डब वाला कबूतर आ ही गया है जी। ये देखें माशाल्लाह ये दोस्तों बैठ रहा है, सूरज भी ग्रूब होने पर आ गया, और ये कबूतर भी तकरीबन अंदर चले गए हैं। न्यू सारे कबूतर जी बाहर छोड़े हुए हैं, तो बस आजकल पक्के ही कर रहे हैं, उड़ा नहीं रहा इनको मैं, ये खुद ब खुद ही ऊपर नीचे होते हैं, खुद ब खुद ही उड़ रहे हैं। ज़्यादातर मैंने गोली कबूतर किए हुए हैं, क्योंकि गोल कबूतर जो है ना वो ही ठीक रहेगा, गहराई नहीं पकड़ेगा। अगर कबूतर गहराई पकड़ेगा तो उसका जो है ना वो फिर उसने ऊपर ही खड़े रहना, हमने देखते रहना, क्योंकि गर्मी है कोई नहीं, मौसम नरम है, तो कबूतर का टाइम ही नहीं सही पूरा होना। बहरहाल दोस्तों ये जी चंद चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और बाकी मादा जी आपके सामने, बहुत दुख हो रहा है मुझे कि यार मादा को जो है ना ये मर्ज बन गई है। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, इंशाल्लाह इसको जो है ना वो सेट करेंगे। ये देखें मादा की आप कंडीशन देख लें क्या हो गई है। कल हालांकि इसके पाँव से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, वो सिरप मैंने बनाए हुए हैं, वो जाके आप जो है ना वो मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जाके पैनाडोल सिरप ब्रूफोन वो सारे मिक्स करके जो है ना मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। दोस्तों बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।